हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट EVS चैप्टर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 89। चैप्टर 13 शेयरिंग आर फीलिंग्स। शेयरिंग होता है शेयर करना, बांटना, बताना। आर फीलिंग अपनी इमोशन, अपनी भावनाओं को, अपने मन की बातों को अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से जब घर वापस होने के बाद। देयर आर टू पीपल विद होम। दो लोग ऐसे हैं। आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। जिसको मैं अपनी जो स्कूल में होता है वो सारी न्यूज़ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ कि दो ऐसे लोग हैं। दे इंजॉय लिसनिंग। वो इंजॉय करते हैं सुनकर। टू माई टेल्स। मेरी स्टोरी सुनकर, जो मैं उनको बताता हूँ। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। उसमें से दो टू पीपल्स में फर्स्ट पर्सन कौन है, मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंग्जियस टू लिसन टू मी। वो मुझे हमेशा सुनने के लिए क्या रहती है, यहाँ वैसे इसका मीनिंग होता है चिंतित, पर यहाँ पे आएगा हमेशा उतावली रहती है, उत्तेजित रहती है कि वो जब आए, कि जब मैं आऊँ और उससे अपनी टेल सुनूँ उसकी। शी वेट्स फॉर मी। देखो, वो मेरी वेट करती है नानी, टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड। वो थोड़ी सी बूढ़ी है। एंड ऑफन हैज़ बैक पेन। और अक्सर, ऑफन होता है अक्सर, उनके बैक में पेन रहता है। शी कैन नॉट सी। वो नहीं देख सकती। और हियर वेल, ना ही अच्छी तरह सुन सकती हैं। एवरीबॉडी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हर रोज़, एवरी डे मीन्स हर रोज़। पापा रीड्स द न्यूज़पेपर। पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अलाउड टू हर, उनके लिए, यानी कि उनको न्यूज़पेपर में से न्यूज़ सुन पढ़कर सुनाते हैं। किसको, नानी को। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। बाद में वो अपने काम का जो रेस्ट जो बच्चा होता है, जो अपने आप काम करती हैं। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सर। अपने आप को बाकी अपने काम में लगा कर रखती हैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर। अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, शी गेट्स वेरी अपसेट। वो अपसेट हो जाती हैं कि कोई उनकी हेल्प ना करे, वो अपने काम में व्यस्त रहती हैं। थो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली। चाहे वो अच्छी तरह देख नहीं सकती क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। पर उन्हें फॉन्ड ऑफ होता है, शौक है वेजिटेबल्स कट करने का। शी सेज, वह कहती हैं, दीज डे चिल्ड्रन डू नॉट। आज के दिनों में, जबकि ये दिन चल रहे हैं, आजकल के बच्चे डोंट नो, नहीं जानते हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली, कि वेजिटेबल सब्जियों को कैसे प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह कट करते हैं। द सेकंड पर्सन, और उनके घर में दूसरा पर्सन क्या है, माई रवि भैया। और दूसरे पर्सन कौन से हैं, रवि भैया, जो मेरी हर न्यूज़ को सुनते हैं, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ही लिव्स विद हम विद अस। वो हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रबी भैया। मैं उनको रबी भैया कहकर बुलाता हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स। वह मेरे पेरेंट्स को भैया और भाभी के लाके बुलाते हैं। कौन, रबी भैया। आई डोंट नाउ वट आर रिलेशन इज़, कि हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। पर वो बहुत प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज, वह हमेशा रेडी रहते हैं टू आंसर माई क्वेश्चन। जो मैं उनसे, जैसे बच्चों को आदत होती है ना बड़ों के साथ बातें करने की, उनके जो मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर देने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ही नेवर से, वह कभी नहीं कहते आई विल टेल यू लेटर, कि मैं बाद में आऊँ। रवि भैया टीचेस इन ए कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम ए लॉट। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका लॉट ऑफ, मतलब काफ़ी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ कम होम टू स्टडी, स्टडी के लिए फ्रॉम हिम, उनके पास आते हैं कुछ स्टूडेंट्स। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। रवि भैया को और क्या शौक है, म्यूज़िक सुनने का भी फॉन्ड ऑफ होता है, शौक है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, और गेम्स खेलने, गेम्स में हिस्सा लेने का। ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने में इंजॉय करते हैं। एंड गोइंग आउट विद देम, और उनके साथ बाहर भी चले जाते हैं। ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनके अंदर अच्छी सेंस है ह्यूमर की, मीन्स जोली नेचर है उनकी, हंसी मजाक की है, जिससे सारे उनके साथ क्या रखते हैं, हंसी मजाक रखते हैं।
भैया कैरीज ए वाइट स्टिक, भैया एक वाइट रंग की सफ़ेद रंग की छड़ी को उठाते हैं. व्हेन ही गोज आउट, जब वो बाहर जाते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो स्टिक्स के साथ, स्टिक के सहारे चलते हैं. लुकिंग एट हिम, उनकी तरफ देखो. मूविंग अराउंड इन द हाउस, और हाउस के मूविंग अराउंड यानी कि चलते हुए, अराउंड होता है चारों तरफ चलते हुए. नो वन कैन से, कि कोई नहीं कह सकता, जब वो वाइट स्टिक उठाकर बाहर घूमने जाते हैं. डैट ही कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकते, कि मींस वो रोड पर इतना ऐसे चलते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि वो आंखों से नहीं देख सकते. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उन्हें पसंद है अपना सारा काम अपने, हिमसेल्फ होता है अपने आप करना, हिज वर्क अपना काम, टू डू ऑल सभी, अपना सारा काम अपने आप करना पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ही गेट्स एंग्री, अगर कोई उनकी हेल्प करता है उनकी विश के विरुद्ध, अगेंस्ट क्या होता है, उनके खिलाफ, अगर वो ना भी कर देते हैं फिर भी उनकी हेल्प करते हैं, ही गेट्स एंग्री, वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प, पर जब उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, ही आस्क फॉर इट, वो उसके लिए पूछ लेते हैं. सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक्स बुक्स फ्रॉम हिम, कई बार भैया के स्टूडेंट्स में से कुछ टेक बुक्स ले जाते हैं फ्रॉम हिम उनसे, एंड रिटर्न दैम, और वापस कर देते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन द टेप्स, टेप्स में रिकॉर्ड करने के बाद, यानी कि पढ़ने के लिए ले जाते हैं, फिर यानी कि लिख लेते हैं कि इस बच्चे ने ये बुक्स लिया, उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं. रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, और रवि भैया क्या करते हैं, फिर जो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं टेप्स में यानी कि कैसेट वगैरह में, तो वो रवि भैया सुनते हैं, यानी कि वो इस तरह से पढ़ते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो भैया की बुक्स लेके आते हैं और वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर भैया क्योंकि वो जो रवि भैया क्या है, ब्लाइंड है, तो वो सुनकर बुक्स को पढ़ लेते हैं. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं. द पेजेस ऑफ दीज बुक्स, इन बुक्स के, जो रवि भैया की बुक्स के पेज हैं, आर थिक, थोड़े क्या हैं, मोटे हैं, जैसे हमारे क्या होता है, थोड़े पतले, जो ब्लाइंड्स होते हैं ना पर्सन, उनके क्या होती हैं बुक के जो पेजेस होते हैं थोड़े मोटे होते हैं. हैव रोज, रोज बनी होती है, रेज पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स डॉट्स बने होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, जैसे आपको ये दिख रही है ना, ऐसे रेज्ड पॉइंट होते हैं, इनको टच करके फील करके वो वर्ड्स बता सकते हैं कि ये क्या है. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स, वो इस पे इस तरह फिंगर्स को रनिंग करते हैं. ऑन रेज डॉट, जो रेज डॉट्स बने होते हैं, उभरे हुए पॉइंट्स बने होते हैं. टू हैव फन विद, भैया भैया के साथ फन करते हुए. आई समटाइम्स, मैं कभी कभी. चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स, यानी कि अचानक मैं बातें करते करते जो उनकी छड़ी होती है वाइट स्टिक, उनका क्या कर देता हूँ, प्लेस चेंज कर देता हूँ, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी चीज़ कहाँ है. कई बार गलती से हो जाता है. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, पर वो अपसेट तो हो जाते हैं जब उनको वो प्लेस पे स्टिक्स नहीं मिलती, पर वट नेवर, कभी भी नहीं, नेवर होता है कभी भी नहीं, गुस्सा होते. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं उनकी क्या हूँ, फेवरेट सिस्टर हूँ, और मेरा नाम क्या है, सीमा. ठीक है. आई हैड ऑलरेडी रीच द डोर डैड, भैया स्पॉक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे, जैसे ही मुश्किल से मैं यानी कि बाहर निकली ही थी, दरवाजे के पास पहुंची उनके कमरे से, तो रवि भैया ने फिर से मुझे बुलाया, सीमा आज लगता है, यानी कि वो देख भी नहीं सकते फिर भी उन्हें लग रहा है कि वो क्या है, सीमा हैप्पी है आज, क्योंकि वो उसके क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको कि आज वो खुश नजर आ रही है. भैया रिकॉग्नाइज, भैया ने पहचान लिया, रिकॉग्नाइज पहचानना, नॉट ओनली मी मुझे नहीं, बट ऑल द अदर फैमिलीज मेंबर, और दूसरे फैमिलीज मेंबर्स को भी पहचान लेते हैं, कैसे, फ्रॉम द साउंड, उनकी आवाज़ से. वी मेक एज वी मूव, जैसे ही वो चलते हैं उनके पैरों की आहट से भी वो पहचान लेते हैं, और जब कोई वो बात करेंगे जब कुछ बोलते हैं तब तो हम सुनकर बता ही सकते हैं. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो ये भी बता देते हैं कि इस दिन, जबकि वो देख नहीं सकते सिर्फ फील करते हैं कि मैं किस दिन खुश हूँ, आई एम हैप्पी, और सैड, किस दिन सैड हूँ, उदास हूँ. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, तो सीमा बताती है, हाँ भैया मैं खुश हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल टीम में क्या हो गई हूँ, सेलेक्ट हो गई हूँ. आई शेयर माई न्यूज़ विद हिम, मैंने उनके साथ अपनी न्यूज़ को शेयर किया. ही पैटेड में, उन्होंने मेरी, पैटेड होता है थपथपाना, पीठ को थपथपाया यानी कि शाबाशी दी. एंड सेड लवली, और मुझे प्यार से कहा, फ्रॉम टुडे, आज से यू आर माई फुटबॉल कोच, कि तुम मेरे फुटबॉल कोच हो.
सीमाज आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। जो सीमा के फादर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं किसके लिए? उसकी नानी के लिए, जो उनकी क्या सुनती है, सीमा की सारी न्यूज़ सुनती हैं। हाउ डू यू हेल्प आउट पेपर, अगर आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी बूढ़े पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, तो आप कैसे करोगे? पहले तो क्या करते हैं, आई हेल्प ऑल पीपल व्हेन आई हेल्प माय ग्रैंड मदर इन सर्चिंग स्पेक्टेचल, उनका चश्मा ढूंढने में। आई गो विद हिम या हर, अगर आप ग्रैंड फादर लिखते हो तो हिम लिखोगे, अगर ग्रैंड मदर लिखते हो तो हर लिखोगे। फॉर हिज इवनिंग वॉक, जब आप उनके साथ इवनिंग वॉक पे जाते हो तो उनकी क्या करते हो, हेल्प करते हो, ये ठीक है। वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी? डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, जब लोग क्या हो जाते हैं, बूढ़ी एज में होते हैं, तो किन किन प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं जो बूढ़े होते हैं? ओल्ड पीपल दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, प्रॉपरली होता है वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से देख नहीं पाते। दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, वो अच्छी तरह सुन नहीं सकते। दे कांट ईट प्रॉपरली, कैन नॉट ईट प्रॉपरली, वो अच्छी तरह खा नहीं सकते क्योंकि उनके दांत भी चले जाते हैं। कैन नॉट वॉक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैन नॉट सी प्रॉपरली, कैन नॉट हियर, कैन नॉट ईट, कैन नॉट वॉक, एंड दे हैव पेन इन देयर नीज, घुटनों में क्या रहता है, दर्द रहता है। एंड अदर ज्वाइंट्स, जो आगे और ज्वाइंट्स होते हैं उनमें क्या रहता है, पेन रहता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज रवि भैया कम टू नाउ सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, तो बताओ रवि भैया कैसे जान सकते हैं, हाउ मीन्स कम टू नाउ, कैसे जानते हैं सो मैनी थिंग, बहुत सारी चीजें, विदाउट सीइंग, बिना देखे, तो वो कैसे पता करते हैं? बाय हियरिंग, सुनकर। और क्या करते हैं उनमें, क्योंकि क्या होता है, ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है उनमें, यानी कि वो देख नहीं सकते पर जो उनका हियरिंग की वो होती है पावर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो जल्दी सुन जाते हैं। हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक, क्या आपको कभी किसी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है? अगर ज़रूरत पड़ी है तो व्हेन, कब ज़रूरत पड़ी है? अगर आप लिखना चाहते हो नो तो लिखोगे नो आई हैव नेवर नीडेड ए स्टिक, क्योंकि आप बच्चे तो आपको स्टिक की जरूरत नहीं। जा क्या कर सकते हो, यस हमें जरूरत पड़ी, यस आई हैव नीडेड ए स्टिक, कब, प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन, तो वो वाली स्टिक्स भी आप लिख सकते हो अगर यस में लिखते हो। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें कब जरूरत पड़ेगी स्टिक की? तो वैसे तो ऐसा टाइम आए ना, पर कब होता है, व्हेन वी गेट ए फ्रैक्चर इन माय लेग, जब हमारी टांग में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि चोट वगैरह लग जाती है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जा क्या करेंगे, व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रोप, जब हम कोई माउंटेंस पे चढ़ते हैं, जैसे लोग देवियों पे जाते हैं, वैष्णो देवी, तो कुछ बूढ़े लोग क्या करते हैं, स्टिक्स का यूज़ करते हैं चलने में। हाउ डू वी हेल्प दीज दोज पीपल ही हु कैन नॉट सी, आप उनकी कैसे हेल्प करोगे जो लोग देख नहीं सकते? बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस, हम बसेस में जैसे कोई ओल्ड पीपल जा रहा है तो उसको सीट, हम बैठे होंगे तो उनको सीट ऑफर करेंगे कि आप बैठ जाओ। जा क्या करेंगे, क्लाइंब द अपस्टेयर, सीढ़ियों पर जा रहे हैं तो उनकी सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प करेंगे। और किस तरह की कर सकते हैं, रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, उनके लिए न्यूज़पेपर से क्या पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे। तो ये कुछ तीन काम हैं जो हम उनके हेल्प कर सकते हैं। आगे देखो, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में कोई है ऐसा मेंबर जो देख नहीं सकता, हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। तो कैन नॉट सी ब्लाइंड, और स्पीक क्या होता है, डम, डी यू एम पी, डम, हियर डेफ होता है, डी ई ए एफ, जो सुन नहीं सकते। तो डू यू नाउ एनी सच पर्सन, क्या आपको ऐसे पर्सन कोई पता है, किसी को जानते हो? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, तो आप उनकी उनके काम में कैसे हेल्प कर सकते हो? तो लिखेंगे हम कैसे कर सकते हैं उनकी हेल्प, देयर इज, पहले जा तो नाम ही दे दो, देयर इज नो सच पर्सन इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। अगर आपकी फैमिली में नहीं है तो आप नो में जवाब दोगे, और अगर है, देयर इज़ ए बॉय इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, तो वो कहाँ जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, कौन से स्कूल में, एक स्पेशल स्कूल होता है इनका, उसमें जाता है, इन स्कूल, जो उनका ही स्कूल होता है, 8th तक ये स्कूल होता है, उसमें इनकी स्टडी होती है, जिसमें बाय टचिंग द फिंगर से रेज डॉट्स को पता करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी, आप इस स्टोरी में पढ़ोगे, रवि भैया कैन नॉट सी, देख नहीं सकते, व्हाट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज
ओन, अपने आप अपना सारा काम कर लेते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, वो बहुत प्रकार की बुक्स को पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, जिसके कारण वो अपने काम करने के योग्य होते हैं। क्लोज योर आईज, अब आपने एक गेम खेलनी है, अपनी आईज को क्लोज करना है। प्ले दिस गेम, और इस गेम के खेलने के साथ, तो ब्लाइंड फोल्ड आपने भी खेली होगी। कुछ बच्चे जैसे ग्रुप में खेलते हैं, आंखों पे एक बच्चे के आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, फिर वो बच्चा उनको पकड़ता है, कैच करता है। तो देखो, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, आपने ग्रुप में जैसे 4 or 5 बच्चे ले लिए, उसमें एक बच्चे की आंखों पर क्या बांधी, ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पर पट्टी बांधी। वन बाय वन, एक एक करके, द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम, उसके पास आएगा, हर क्वाइटली, जो लड़की आएगी, जो लड़के, क्वाइटली मीन्स चुपके से, शांत। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्ड, वो पर्सन जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, गैस करेगा हु द अदर चिल्ड्रन, उनको टच करके, आपने ये गेम खेली होगी, देखो कि उसको टच करके पता सकता है कि ये कौन सा बच्चा है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, परंतु तुमने ये ध्यान रखना है कि कोई साउंड नहीं निकालनी, वो सिर्फ टच करके बताएगा कि कौन सा बच्चा है, उसका नाम बताएगा। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, वाई, कैसे, इन द सेम वे, इसी तरह, सेम वे, वन बाय वन, एक एक करके, ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर दूसरे की टर्न आएगी, वो किसी को पकड़ेगा, फिर उसकी टर्न आएगी। इस तरह से गेम खेलनी है। ईच वन हैज़ टू ट्राई, हर एक बच्चे ने ग्रुप में ट्राई करना है, कोशिश करनी है, और गैस करना है बाय टचिंग, छू कर, हु द अदर चिल्ड्रन, की दूसरे बच्चे कौन है। डिस्कस एंड टेल, अब हमने कुछ डिस्कस करना है और टेल बताना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड, कि आप कितने बच्चों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, द अदर्स बाय टचिंग, टच करके, तो आप अपने आप बताना, ये गेम्स खेल के देखना, तो उसी मुताबिक लिखना, 2 or 3 or 4, जितने भी बच्चों को आप टच करके, जो आपके नॉन्स होंगे, जो आप बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको तो आप टच करके बता ही सकते हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन, Why only hearing them? उनकी साउंड सुनकर बता सकते हो, तो आप लिखोगे कुछ, जितना भी लिख सकते हो, जिनकी आप साउंड करके या टच करके लिखना चाहते हो वो लिख दो। और ईजी क्या है, विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, टच करना ईजी है बताना या उनकी साउंड सुनकर, तो ये ज़्यादा ईजी है क्योंकि हमें साउंड से पता लग जाता है कि ये कौन सा है। इट वॉज ईजियर टू रिकॉग्नाइज बाय हियरिंग, उनकी साउंड को सुनकर। टच एंड टेल, हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, टच करो और बताओ कि आपके माउथ में कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास, और ये देखो आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किसके हैं। तो बच्चों, वैसे तो टीथ 1 साल के बाद आ ही जाते हैं सभी बच्चों के, उसके बाद 3 साल तक 4 साल तक सभी बच्चों के डिवेलप हो जाते हैं 20 टीथ, और जब तक बच्चा एडल्ट नहीं होता तब तक पूरे दांत नहीं आते। तो आपने ये देखना है, जैसे क्या होता है, जैसे आप 3rd standard के हो, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, तो उसके हिसाब से उनके दांत, जो एज के हिसाब से उस बच्चे के दांत क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाई ओनली टचिंग, आप कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉग्नाइज, पहचान कर सकते हो टच करके, तो आप कई चीज़ों को टच करके पता कर सकते हो। आई कैन रिकॉग्नाइज क्लॉथ, कपड़े को, ग्लास को, कांच को, मेटल को, वुड को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, क्ले को, अपने घर की चीज़ों को, जैसे आपके घर में चेयर पड़ी है, एनी थिंग, ठीक है, आप कोई भी चीज़ को छूकर बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। क्लोज योर आइज, अब आपने अपनी आइज को क्लोज करना है एंड लिसन, और सुनना है, व्हाट साउंड कैन यू हियर, कि आप कौन कौन सी साउंड को सुन सकते हो, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई, और कौन कौन से लोगों को आइडेंटिफाई होता है, पहचान कर सकते हो फ्रॉम द साउंड, टच करके सुन कर सकते हो या साउंड करके। दे मेक एज दे मूव, जैसे वो चलते हैं उनके पैरों की आहट सुनकर भी पता लगा सकते हो। तो आपने ये करके देखना है कि आप टच करके बताते हो या साउंड को सुन के। Why just smelling? Can you guess? एक smelling means सूंघकर आप guess कर सकते हो if someone close to you, कि आपके someone कौन है close। जैसे अब क्या होते हैं, जो animals होते हैं वो सूंघ के नहीं बताते हैं ना कि वो कैसे हैं, तो हम जैसे हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो हम किसको guess कर सकते हैं। Yes, हम guess कर सकते हैं sometimes, कभी कभी can guess someone is close to me, कि जो मेरे close है। अब जैसे कई बार हम किसी के परफ्यूम की
उससे पता लगा लेते हैं कि ये कौन है हमारे साथ, हमें पता होता है, ठीक है ना। देयर इज़ ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर का यही है जो ब्लाइंड पीपलों के लिए स्टडी है वो यही है। कहते हैं स्पेशल एक खास वे होता है रीडिंग पढ़ने का, राइटिंग लिखने का, ऐसे लोगों का जो हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, उनको क्या कहते हैं ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर, एक मोटा सा पेपर होता है इनकी जो बुक्स होती है, क्योंकि क्या होता है बाय मेकिंग ए रो, एक रो बनी होती है रेज्ड पॉइंट्स डॉट, जैसे कि इसमें आपको पेज पे दिखा रखा है, देखो नेक्स्ट पेज पे इस तरह उभरे हुए डॉट्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी इस तरह से होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट पेज में भी दिखाया। तो विद ए पॉइंटेड टूल, एक टूल के साथ उभरे हुए होते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग फिंगर्स, फिंगर के साथ चलती हैं, यानी कि जैसे हम लैपटॉप पे काम करते हैं ना, ऑन द रेज डॉट, उनको टच करके जो ब्लाइंड पीपल होते हैं बता सकते हैं। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या ये मुश्किल है या इजी है, आसान है, टू रिकॉग्नाइज ए शेप विदाउट सीइंग इट, कि आप एक शेप बना रहे हो बिना देखे, क्यों तो ये आपके लिए मुश्किल है या इजी है पहचानना। एक टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर, आपने एक सैंड पेपर की क्या ली, शीट ली। मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट, और उस पर एक शेप बनाई प्रेस करते हुए, उसको दबाते हुए थिक वूल से, ऊन से या थिक थ्रेड से, ठीक है। आपने एक पेपर ले लिया, उसको फोल्ड किया और उस पर प्रेस किया, जैसे हमने कलर वाला भी किया था ना एक बार, उसमें एक अच्छी सी शेप आ गई थी। अब आपने क्या लेनी है, वूल लेनी है और एक थ्रेड लेना है मोटा सा, और उसको प्रेस करना है। आस्क योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड से पूछना है, और उसकी आइज को क्लोज करना है और कहना है आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर ऑन द शीट, अपनी जो शीट होती है उस पर छू के बताओगे कि ये कौन सी शेप है। आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर ऑन द उसकी फिंगर्स को। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट इज ईज, क्या आपके ये फ्रेंड के लिए ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। आस्क योर फ्रेंड टू मेक ए शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे, अब आपका फ्रेंड आपके लिए एक शेप बनाएगा, ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे, पहचान करोगे बाय फीलिंग विद योर फिंगर, अपनी फिंगर्स को फील करके। टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेपर लेना है मोटा। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास और ए नीडल, और कंपास की हेल्प से उस पर आउटलाइनिंग करनी है, और जा नीडल की आउटलाइनिंग समझते हो ना, जैसे आपने ये बनाया, जैसे हम कोई डायग्राम बनाते हैं आउटलाइनिंग ब्लैक स्केच से करते हैं, उस तरह से आपने आउटलाइनिंग करनी है। मेक डॉट्स, और डॉट्स बनाने हैं इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस से, डिस्टेंस पे, ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करिए। ये देखो ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसमें उभरे हुए रेस डॉट्स हैं, मोटा थिक पेपर है जिस पे ये करे होते हैं, और आउटलाइनिंग करके यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड से भी रेज्ड होता है। नाउ आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछो टू क्लोज हिज और हायर आइज एंड फील विद द फिंगर्स, अपनी आइज को क्लोज करते हुए और फील करो अपनी फिंगर से, टू टेल, बताने के लिए व्हाट यू हैव आउटलाइन, कि उसने क्या आउटलाइन करा है। इजंट इट डिफ़िकल्ट, क्या यह उसके लिए मुश्किल नहीं है। थिंक, सोचो अबाउट हाउ पीपल, कि लोग कैसे, हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, जो नहीं देख सकते वो इनको कैसे पढ़ते हैं रेज डॉट को। तो ये देखो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, इस तरह से पढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल, अब हम ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव सीन डैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स, उनकी जो बुक्स होती हैं कुछ खास तरह की, कुछ स्पेशल टाइप्स की होती हैं। हाउ वर दीज बुक्स मेड, ये बुक्स किसकी बनी होती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, इसकी बुक्स के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, यानी कि किसने इसकी बनाया, इसको किसने बनाया। लेट अस फाइंड आउट, फाइंड करते हैं और अबाउट इट, इसके बारे में जानते हैं। तो लुइस ब्रेल है, बिलोंग टू फ्रांस, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको किसने बनाया, लुइस ब्रेल ने, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज 3 ईयर्स ओल्ड, कब थे वो, तब 3 ईयर्स के थे, ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, क्योंकि उनके जो फादर थे वो क्या थे, कारपेंटर थे, उन्होंने उनके टूल से एक क्या कर रहे थे, ही वाज प्लेइंग, खेल रहे थे जब वो 3 साल के थे। सडनली, अचानक, एक पॉइंटेड टूल, जो पॉइंटेड टूल था, जो आगे से जैसे हमारी पेंसिल की नोक होती ना, तीखा था, हर्ट हिज आईज, उसकी उनकी आंखों पे क्या लग गई, नुकसान हो गया, यानी कि चोट पहुंच गई। ही लॉस्ट हिज आई साइड, इससे उनकी एक आई साइड क्या चली गई, मतलब लॉस, मतलब वो उन्होंने अपनी खो दी। ही हैड
कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, पर उनका स्टडी में इतना इंटरेस्ट था ही डिड नॉट गिव अप, यानी कि वो छोड़ना नहीं चाहते। गिव अप होता है छोड़ना, यानी कि इसको स्टडी को। ही कैप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना था तो उन्होंने सोचा डिफरेंट वे से रीड, पढ़ना और लिखना। फाइनली ही फाउंड ए वे, अंत में फाइनली उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया, रीडिंग बाय टचिंग, टच करके और फील करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, इसी पढ़ने के तरीके को आगे जाकर क्या नाम दिया गया, ब्रेल स्क्रिप्ट। और कौन थे, लुइस ब्रेल, बिलोंग टू फ्रांस, जब 3 साल के थे फादर के टूल से उनके साथ एक उनकी आँख में हर्ट हो गया था, जिससे आई साइट क्या हो गई थी उनकी, चली गई थी। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है जहाँ पे रेस डॉट से वो टच करके फील करके पढ़ते थे। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, अब ये भी बनता है, इस टाइप की स्क्रिप्ट में क्या होता है, रो बनी होती है रेस डॉट्स की, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। कैन मेड ऑन ए थिक पेपर, एक मोटे से पेपर पे होता है, जैसे कि ये देखो आपको देखने से पता लग जाएगा ये जो पेपर है बहुत मोटा है, ये देखो यहाँ से ऐसे इस पे रेस डॉट्स होते हैं, ताकि वो, क्योंकि अगर आपकी बुक जैसा पतला कागज होगा हम इस पे रेस्ड करेंगे थोड़ा सा मोटा तो ये फट सकता है, तो इसके लिए थिक पेपर होता है थोड़ा मोटा। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेस्ड, क्योंकि इन डॉट्स को रेस्ड किया जाता है, उभारा जाता है, दे कैन बी रीड, ताकि वो पढ़ सकें। वाई रनिंग द फिंगर्स, जैसे आप लैपटॉप पे टाइपिंग करते हो इस तरह फिंगर्स को टच करके वो पढ़ सकते हैं। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, और ये स्क्रिप्ट कितने बिंदु पे बेस्ड होती है, 6 पॉइंट्स पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये उभरे हुए दिखा रखे हैं, ये देखो इसमें 2 दिखा रखे हैं, इसमें 4 दिखा रखे हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दी डे, अब ब्रेल स्क्रिप्ट ने काफ़ी चेंजेस आए टाइम के अनुसार इन दिनों में। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, इसने पढ़ने के तरीके को और लिखने को क्या बना दिया, बिल्कुल सिंपल बना दिया। ब्रेल कैन नाउ, कि अब हम ब्रेल को क्या कहते हैं, ऑल्सो वी रिटर्न यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर था ब्लाइंड पीपल के लिए, जिनमें उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। इनका जो स्कूल टाइमिंग होता है कुछ 8th क्लास तक ही होता है, जिसमें इनको एक स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। और क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट होता है जिसमें रो और फ्रेज डॉट्स होते हैं, एक स्क्रिप्ट होती है जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट का ही नाम दिया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।